गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे, जो कि हमने ऑर्गेनिक एसिड्स तक कंप्लीट कर लिया है। आगे है मिनरल एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जो एसिड्स मिनरल से बनाए जाते हैं, जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। दे आर ह्यूमन मेड एसिड्स एंड आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स। ये जो एसिड्स होते हैं, ये ह्यूमन मेड एसिड्स होते हैं, यानी कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है, लैब में बनाया गया है, इसलिए इसको लेबोरेटरी एसिड भी बोलते हैं। बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। द मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड आर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, कॉमन ह्यूमन मेड एसिड्स हैं, जिन्हें हम लेबोरेटरी एसिड्स भी बोलते हैं, जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, रिएक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरीज में। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जो मिनरल एसिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ में ख़तरनाक भी होते हैं। दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। दीज एसिड्स कैन कॉज सीवर बर्न्स ऑन द स्किन। दीज एसिड्स कुड बी हैंडल विथ ग्रेट कॉशन। दे शुड नेवर बी हैंडल विथ बेयर हैंड्स और टेस्टेड। ये हाईली कोरोसिव होते हैं, मतलब कि इनमें जंग लगने की कोई चांस नहीं होता है, और ये बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। और दीज एसिड्स कैन कॉज सीवर बर्न्स। इन एसिड्स की वजह से अगर ये आपके स्किन पे गिर गया, ये जो मैन मेड एसिड्स हैं, तो आपकी स्किन बिल्कुल गल जाएगी, जल जाएगी। और दीज एसिड्स आर हैंडल, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होता है, और इसको कभी भी हमें खाली हाथ नहीं हैंडल करना चाहिए, हमें ग्लव्स पहन के रहना चाहिए, और साथ में इसको टेस्ट भी नहीं करना चाहिए। डू यू नो, ये भी आपको जानना है, ईच सेल इन अवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड। हमारी बॉडी में एक हर एक सेल के पास क्या है, एक एसिड है, द डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA, जिसको हम DNA के नाम से जानते हैं। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज अवर लुक्स, कलर ऑफ अवर आइज एंड अवर हाइट। और ये जो एसिड है, ये हमारी बॉडी की हर चीज़ को कवर करता है, जितने भी हमारे फीचर्स हैं बॉडी के, जैसे हमारा लुक कैसा होगा, कलर क्या होगा हमारी आइज का, हमारी हाइट कितनी होगी, इसको DNA के हाथ में होता है। प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ अवर सेल्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। और जो प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डेवलप करती है, ग्रो करती है, वो किससे बना है, अमीनो एसिड से। उसके पास अमीनो एसिड्स हैं। द फैट्स इन अवर बॉडी कंटेन फैटी एसिड्स। जो हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, वो उनके पास क्या होता है, फैटी एसिड्स होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में हर जगह एसिड्स प्रेजेंट है। फिर डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड्स। एन एसिड कैन बी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। जो एसिड है, वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितना पानी प्रेजेंट है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज़ अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एसिड, इसको डाइल्यूट एसिड। यानी कि ऐसा एसिड सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर हो और स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एसिड हो, इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। यानी कि जब हम पानी में एसिड को मिला देंगे, तो क्या होगा, हमें कम अमाउंट ऑफ एसिड मिलाना है और पानी ज़्यादा होना चाहिए, तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है। और कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर एंड अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एसिड, इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में थोड़े से अमाउंट में वाटर होता है और बाकी लार्ज अमाउंट में एसिड होता है, उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। अ कंसनट्रेटेड एसिड इज एन एसिड इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म और हैज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर। तो जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि एसिड बिल्कुल प्योर फॉर्म में है और उसमें बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। फिर नीचे देखो, नो मोर दिया गया है। कंसनट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय डिसॉल्विंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर।
कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करें। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एन एसिड इज़ एडेड टू वाटर, वाटर इज़ नेवर एडेड टू एन एसिड बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। आपको क्या हमेशा ये ध्यान रखना है ये करते वक्त कि एसिड में आपको वाटर नहीं मिलाना है, वाटर में एसिड मिलाना है, पानी में आपको एसिड डालना है। एसिड में पानी हमें कभी भी नहीं डालना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, उससे आपको डैमेज हो सकता है। तो अगर वाटर ज़्यादा होगा तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।